नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2022-23 के अंतर्गत। अगर आप लोगों ने भी अप्लाई किया था, चाहे आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर, यूजी, पीजी, टेक्निकल डिप्लोमा, मेडिकल डिप्लोमा, किसी भी क्लास के, किसी भी ईयर के एक नए या फिर एक रिन्यूअल स्टूडेंट हैं, और आप लोगों ने भी स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने के बाद कॉलेज में सबमिट किया था, कॉलेज में सबमिट करने के बाद आपने अब अपने स्टेटस को चेक किया, तो आपके फॉर्म के स्टेटस में कुछ प्रॉब्लमें देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आप लोगों को डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जब फॉर्म को अप्लाई किया था उस टाइम उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, तो उन्होंने प्रमोटेड दिखा दिया था या फिर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर दिखाया था, तो उन स्टूडेंट का अब रिजल्ट आ गया है, तो वो स्टूडेंट अब डाटा को अपडेट कैसे करेंगे। और यदि आप लोग अपने डेटा को अपडेट कर चुके हो लेकिन फिर भी आपका जो स्टेटस है वो पुराना वाला दिखा रहा है, अभी तक डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई नहीं किया गया है, या फिर आपके स्टेटस में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक नहीं था जिसकी वजह से इनवैलिड यूडीआईडी नंबर, कुछ इस तरह की एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लमें आ रही हैं या फिर इसके अलावा और भी कोई नई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या फिर आपका अभी तक फॉर्म DWD यानी डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के अंतर्गत अगर आप लोगों ने भी फॉर्म को फिलअप किया है तो आप लोगों को बता दें 2023 में ये प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करने के लिए यहां पर पोर्टल को ओपन किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सस्पेक्टेड डेटा, इस कैटेगरी को बोलते हैं सस्पेक्टेड डेटा। यदि आपके भी डेटा में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस डेटा को आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट अपना डेटा को करेक्शन करा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे और आप लोग कब से लेकर कब तक अपने डेटा का करेक्शन करा पाएंगे यदि आपके भी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आई है तो, और यदि आपका भी डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो चुका है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग अपने फॉर्म का करंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको आना होगा यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सस्पेक्टेड डेटा कॉलेज और छात्र द्वारा। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यदि आपकी भी ये प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग भी इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं 6 मार्च 2023 तक, और आज है 1 मार्च 2023, आज से पोर्टल फिर से ओपन कर दिया है। तो अगर आपके में भी फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने कॉलेज में जाके अपने फॉर्म का स्टेटस देके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि आपके फॉर्म में अगर प्रॉब्लम है तो किस प्रकार से आप लोग चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको आना होगा स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला देखने को मिल रहा है फ्रेश का, दूसरा मिल रहा है रिन्यूअल का। फ्रेश का मतलब होता है बिल्कुल नया स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया हो। रिन्यूअल का मतलब ये है कि यदि आपने इससे पहले कोई कोर्स के लिए आवेदन किया था या फिर आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया था, सेकेंड ईयर में आपका रिन्यूअल होगा तो आपको यहाँ से अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, चाहे आप लोग फ्रेश हो या फिर रिन्यूअल हो, दोनों के फॉर्म को लॉगिन करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले आपको आना है अपनी कैटेगरी पे, और यहाँ पर अभी आपको प्रत्येक ऑप्शन में चार चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनके बारे में भी आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि प्री मैट्रिक का मतलब होता है 9th और 10th, और इंटरमीडिएट स्टूडेंट का मतलब होता है फर्स्ट ईयर इंटर के और इंटरमीडिएट के ऊपर, जैसा कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट यहां पर आते हैं। यूजी, पीजी, टेक्निकल डिप्लोमा, मेडिकल डिप्लोमा के ऑल स्टूडेंट यहां से लॉगिन करेंगे, और यदि आप लोग भी यूपी के रहते हैं और यूपी के बाहर किसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग यहां पे चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, फॉर्म लॉगिन करने के लिए यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपको पासवर्ड फिलअप करना है, कैप्चा फिलअप करना है, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा।
और यदि आपको पासवर्ड नहीं मालूम, आपने किसी साइबर कैफे पे कराया था फॉर्म और आप लोग उससे पासवर्ड लेने से असमर्थ रह गए थे, तो आप लोग यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आप अपना पुनः प्राप्त पासवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले नंबर पे आपको अपनी कैटेगरी चॉइस करनी है कि आप रिन्यूअल थे या फिर एक फ्रेश थे। अगर आप लोग फ्रेश है तो फ्रेश वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा, रिन्यूअल है तो रिन्यूअल पे। इसके बाद आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आप अपना बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर आपने कौन से सन में स्कूल पास किया था, रोल नंबर क्या था, कैप्चा क्या था और पुनः फिर आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों चीज आ जाएगी, आपको वहां पे दोनों चीजें देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद पुनः प्राप्त पासवर्ड करने के बाद आपको उसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना अपनी कैटेगरी के अनुसार। तो फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। ऊपर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारा नाम, पिता का नाम, कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और हम अपने फॉर्म का करेंट का स्टेटस चेक करते हैं तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करंट स्टेटस, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद हमारे जो भी फॉर्म का करंट स्टेटस होगा वो हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इससे ऊपर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि हमारा नाम, पिता का नाम, एड्रेस और साथ में कॉलेज का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके नीचे हमारे जो फॉर्म का स्टेटस होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि सबसे पहले नंबर पे आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था, फाइनल सबमिटेड भी यहाँ पर हो चुका है और ये इंस्टीट्यूट द्वारा फॉरवर्ड भी हो चुका है 31/12/2022 को। बैंक ने भी वेरीफाई कर चुका है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में आप लोग भी देख सकते हैं DWO के द्वारा भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है 11/2/2023 में, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि फॉर्म का स्टेटस इंस्टीट्यूट द्वारा फॉरवर्ड कर दिया गया इस तारीख को। साथ में हमारे गत वर्ष में जो पूर्णांक और प्राप्तांक थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमारा गत वर्ष का रिजल्ट पास है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कॉलेज के द्वारा हमारी अटेंडेंस कितनी लगाई गई है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और DWO के द्वारा भी वेरीफाई है। तो इस फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फॉर्म में जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर 90% आ जाएगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास फंड नहीं रहता है तो 10% स्कॉलरशिप आने की चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर आपका भी DWO से वेरीफाई हो चुका है तो आपको 90% स्कॉलरशिप चांस रहेंगे। और यदि आपके अभी यहाँ पे फॉर्म वेरीफाई हो गया है DWO से तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आप लोग मतलब साफ समझ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दूसरे फॉर्म को लॉगिन किया है और यहाँ पर इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 6/12/2022 को कंप्लीट हो चुका था। और साथ में देख सकते हैं फाइनल सबमिट भी यहाँ पर 11/12/2022 को हो चुका है। कॉलेज में इस फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया था 21/12/2022 को। बैंक की तरफ से भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, बैंक ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है और साथ में TWO से भी वेरीफाई हो चुका है 11/2/2023 को। अटेंडर देख सकते हैं 81% लगी है और यहाँ पर जो गत वर्ष भी देख सकते हैं 1200 में से 591 नंबर आए हैं, मतलब आप लोग साफ देख सकते हैं इस फॉरम में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि स्कॉलरशिप यहाँ पर रुके। इस फॉरम में भी 90% चांसेस हैं स्कॉलरशिप मिलने के और बाकी 10% चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि अगर फंड नहीं रहता तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक फॉर्म मैंने यहाँ पर और ओपन कर रखा है। इस फॉर्म में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी ये फॉर्म DWO की तरफ से वेरीफाई नहीं किया गया है। अगर आपके भी फॉर्म में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है और आपका भी DWO से फॉर्म वेरीफाई नहीं किया है तो आप लोग अपने फॉर्म को अभी कॉलेज में जाके दोबारा से रीसबमिट कीजिएगा और दोबारा से अपने फॉर्म को वेरीफाई कराइएगा। और जब भी आपका कॉलेज से फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो आपका DWO से भी फॉर्म को वेरीफाई कर दिया जाएगा। यदि आपके भी फॉर्म में जैसा कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है या फिर आपको नंबर मिसमैच देखने को मिल रहा है या फिर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है या फिर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम यदि आपके फॉर्म में आ रही है वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो इन सारी प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं 6/2023 तक। 1/2023 को दोबारा से स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन की गई है करेक्शन के लिए। तो अभी जाइएगा कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट को लेकर इस फॉर्म का स्टेटस निकालिएगा,
साथ में जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है उस प्रॉब्लम के ऊपर एक एप्लीकेशन को लिखिएगा और उस प्रॉब्लम का आपको प्रूफ लगाना है। प्रूफ लगाने के बाद आपको अपने कॉलेज में जाके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो 10 से 15 दिन में सॉल्व कर दी जाएगी और आपका भी स्कॉलरशिप का फॉर्म DWO के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही में दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक बात और समझिएगा, यदि आपने भी स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप किया और आपके भी स्कॉलरशिप के फॉर्म में करंट स्टेटस में बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है और वो प्रॉब्लम आपको स्टेटस में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में यहाँ पर स्कॉलरशिप की वेबसाइट ने दोबारा से अपडेट फिर से दिया है कि यदि छात्र छात्रा अपने खाते में आधार कार्ड की सीडिंग नहीं करा पाए हैं तो तत्काल अपने अकाउंट में आधार सीडिंग करा लें, वरना आप लोग स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त कर पाओगे। आप लोग यहाँ पर साफ लिखा हुआ देख सकते हो, ये लाइन इन्होंने दोबारा फिर से चेंज करके लिखी हुई है। यदि आपने इससे पहले वेबसाइट विजिट की थी 1 या 1.5 महीने पहले तो आपको कुछ और लैंग्वेज में यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन आज इस वेबसाइट पर फिर से इन्होंने एक नई लाइन और नए स्टाइल से यहाँ पर लिखा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली ये था कुछ स्कॉलरशिप फॉर्म जो स्टूडेंट के फॉरवर्ड नहीं हुए उनकी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी दी है। यदि आपके साथ भी कुछ प्रॉब्लम इसमें की है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर कहिएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करो, अपने अदर फैन के साथ जरूर शेयर करो, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।